नमस्कार, मैं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनपा दुकानों की ई नीलामी के खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन। सोलापुर शहर महानगर पालिका की दुकानों को लेकर प्रशासन और व्यापारियों में तकरार बढ़ता नजर आ रहा है। मनपा आयुक्त अविनाश ढकने के ई नीलामी टेंडर का वे विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने आंदोलन किया। इसका नेतृत्व कामगार संगठन के अध्यक्ष अशोक जनराव ने किया। सोलापुर महानगर पालिका के आयुक्त अविनाश ढकने साहब, इन्होंने जो हमारे सोलापुर के मालिक के रहने वाले जो मेजर गाड़े हैं और मिनी गाड़े हैं, उसका जो आज भाड़ा आता है हमको, वो कम से कम ₹1.91 लाख हर महीना आता है। लेकिन अगर ये टेंडर प्रक्रिया अगर चालू हुई तो हमारा हर महीने का जो बजट है वो 14 कोटी से बढ़ता है। और इसलिए इनको अगर कोई विरोध कर रहा है तो हमारे मुट्ठी भर व्यापारी लोग हैं, कुछ लोग नगर सेवक है, कुछ और भी है बांडवलदार लोग है। इनको हम डरने वाले नहीं है। हमारे आयुक्त ने जो निर्णय किया है उसके समर्थन में हम आज का मोर्चा निकाले हैं। आज का हमारा निदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। मनपा आयुक्त ढकने का कहना है कि 1386 मनपा दुकानों की ई नीलामी से प्रशासन को 50 से 55 करोड़ की आमदनी होगी, लेकिन जो लोग वर्षों से मनपा दुकानों में अपना व्यापार कर रहे हैं उनके लिए रोजी रोटी की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ये दुकान उन्हें ही मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो उसका किराया काफी अधिक हो सकता है। सोलापुर से शाहजहां अतार, खबरदार। देखते रहिए खबरदार।